किया था, उसके आगे कंटिन्यू किया किसी ने रिकॉर्डिंग वगैरह करके? यस ओके दैट्स गुड सर आदिल. तो कैन यू टेल के क्या आपने आगे परफॉर्म किया क्या? सिर्फ रिकॉर्डिंग की थी आपने, और इसके अलावा मशीन लर्निंग कोई अप्लाई की हो या कोई डाटा विजुलाइजेशन से इंसाइट्स निकाली हो? सवाल यस बस उसके बाद एक हीट में बनाया था, उससे थोड़ा सा पता ओके चल रहा था कि सर्किट वेरिएबल के साथ उससे दूसरे वो लेवल सकते हैं। ओके ठीक है. तो आपको क्या इंसाइट्स मिली उससे? मैं शेयर करूंगा हाँ यस यस श्योर. इसे ओके सिचुएशन। यस यस इट इज विजिबल. तब इधर तक तो हमने करवाया था मिस सर्टिफिकेट, उसके बाद डेट टाइप्स देखी, उसके बाद मिस मैंने इस तरह किया था एक ना डेट जो हमारे पास इंपोर्टेड होने वाले वो थे सारे फीचर्स थे हम सबको, मैंने एक सस्ता एंड यूनिक उसको देख ली थी। सही ये पता चल रहा था कि जेंडर में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, मतलब कितने हम इंपोर्ट करवा सकते हैं इसी तरह जेंडर। उसके बाद मैंने एक कॉपी बना ली डेटा के बाद, कि हमारा डेटा अगर कोई गलती होगी तो जाया ना हो, ये मिस मैंने कॉलम बनाया सारे उसको इनके हमने इंपोर्ट कर लिया। ये सारे फीचर्स हैं जिनको हमने इंपोर्ट करवाना था, फिर ओके हमने इंपोर्टर को शो करवाया लेवल इंपोर्टर से, तो हर फीचर को उसमें पास कर रहे हैं और उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसका बना के उसमें सेव कर रहे हैं हमारे इंपोर्टेड उसमें लिए। तो ये उसके बाद अगर मैं प्रीव्यू उसका देखता हूँ उसको, ये इस तरह जैसे उन्होंने जेंडर तो मैं उसको 0-1 उसको कह रहा जेंडर, मेरिट स्टेटस को भी 0-1 क्योंकि इसमें तीन चीजें इधर आप देखें हम इस यू वी और इस तरह वाई था मेरे ख्याल से, इसको ये 0-1-2 में कह रहा हूँ। इसी तरह ये खुद से ना इस 0-1-2 से लेके जितने भी यूनिक वेबिस हैं अभी इसके एजुकेशन में 14 यूनिक वेबिस थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चौदह थे ना इसमें, तो तो ये ये जीरो आपने से कौन सा लेके 13 तक इनकोडर? लेवल कौन सा इनकोडर इनकोडर लगाया? ठीक है सही. बस ये इस तरह और इसके आपने बाद इसको बस कॉपी क्यों करवाया? मतलब कॉपी करके एक न्यू कॉपी क्यों डाटा में फ्रेम? ये लेवल इनकोडर में असल में देखना चाह रहा था ये सही करता है कि नहीं करता, कुछ ठीक है. भी होता है ना मिस ये वर्ड में मेरे ख्याल से वो नए फीचर्स बना देता है हाँ जी बुलियन टाइप ना, इसलिए मैं देखना चाह यस रहा था कि उस तरह ना बनाए डेटा हम वो जाते ओके ओके हैं। तो इधर मैंने कोरिलेशन करने से हीट मैप बना दिया था सिंपल सा, ये इसको देख के थोड़ा सा ये अंदाजा हो रहा है इसकी, ये हमारे को अपना टारगेट ग्लोबल स्टेटस, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी प्रायर डिफॉल्ट है उसके साथ इसका काफी नेगेटिव रिलेशन, मतलब ये होना भी चाहिए क्योंकि जितने आप अच्छे हिस्ट्री आपकी डिफॉल्ट में होगी उसी पर आपका अप्रूवल स्टेटस नेगेटिव ही होगा ना मिस आगे जाके, एक ये इनसाइड मिली थी।
बाकी भी इंसाइट हम ले सकते हैं किसी को देख ओके के। मेन कस्टमर और मैरिटल स्टेटस के थोड़ा पॉजिटिव रिलेशन लगा, ये छोटे मोटे मिसाल। उसके बाद मैंने किया भी था मिसाल के साथ। ओके दैट्स अ गुड इंसाइट ओवरऑल. थैंक यू. नाइस एफर्ट. ओके सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आवर लेक्चर. ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने कल यहाँ तक तो देख लिया था डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक. एंड वी वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, वी वर ट्राइंग के ये कोई यूनिक वैल्यूज जो है हमारे पास टेबलर फॉर्म में आ जाए. एनी हाउ हमने कॉलम्स के नेम असाइन किए हुए थे यहाँ पे. फिर उसके बाद ओके सो एज आई वाज सेइंग कि हम इसको डीएफ में डाटा फ्रेम बना के उसमें डाटा फ्रेम में अगर कन्वर्ट कर देना पीटी डॉट डाटा फ्रेम से तो ये हो सकता है. ठीक है तो वही मैंने किया था कि जो डिक्शनरी बनाई हुई थी ठीक है तो उसको जस्ट मैंने यहाँ पे पीटी डॉट डाटा फ्रेम और उसमें मैंने बताया कि जो कॉलम के नेम है वो क्या होंगे जो कि इस यूनिक वैल्यू में कीज हैं और जो यूनिक वैल्यूज हैं यानी जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम दो कॉलम्स हैं एक का नाम कॉलम होगा और एक यूनिक वैल्यूज का होगा. ठीक है और जो यूनिक वैल्यूज वाला है उसमें क्या आएगी उसमें जो ये इस डिक्शनरी के अंदर जो हमने डिक्शनरी बनाई है की वैल्यू पेयर्स में उसमें जो उसकी वैल्यूज हैं वो इसके रिस्पेक्टिव यूनिक वैल्यूज आएंगी. ठीक है तो यो यहाँ पे मैंने इस तरह से फिर आप ये डाटा फ्रेम में लाइक डाटा फ्रेम की फॉर्म में कॉलम वाइज भी सारी यूनिक वैल्यूज इस तरह से शो करवा सकते हैं. तो ये एक न्यू एडिशन था जो मैंने कल थोड़ी सी चेंजिंग्स की इसमें विजुअलाइजेशन अच्छी करने के लिए. और इससे अब फिर मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो रहा है कि कौन से कंटिन्यूस हैं कौन से कैटेगोरिकल हैं और मतलब एन एन वैल्यूज हैं और सारी चीज़ें. ठीक तो मैंने यहाँ पे वो जैसे हम लोगों ने कल किया ही था यहाँ पे फिर एन ए लगा के मीन और मीडियन या मीडियन और मोड से रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने फिल करवा लिया था वैल्यूज को. अगेन मैंने उसको दोबारा से सीधे विजुलाइज करवाया यूनिक वैल्यूज को तो अब एन एन वैल्यूज रिमूव हो चुकी हुई हैं. ठीक ओके ओके सो नेक्स्ट स्टेप. अच्छा इनकोडिंग. ओके सो एक चीज़ ये थी कि हम लोगों ने कल इनकोडिंग स्टार्ट की देन आई लेटर ऑन थॉट कि हम डाटा विजुअलाइजेशन मतलब समहा इनकोडिंग के बगैर भी काउंट प्लॉट्स वगैरह बना के जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि वो भी हो सकती है. सो वी कैन एक्चुअली डिले दैट दिस स्टेप फॉर लेटर ऑन एज वेल कि डाटा विजुअलाइजेशन पहले कर लें फिर उसके बाद लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस के इनकोडिंग चलने पहले हो गई. अब इसमें मैंने एक चीज़ ये की थी क्योंकि डेफिनेटली वन हॉट इनकोडिंग में जब आप मल्टी मल्टी कैटेगरी फीचर्स के लिए स्पेसिफिक वन हॉट को इनकोडिंग कर रहे होंगे तो इसमें वाकई ही ये चीज़ है जैसे सर ने बताया कि जो कॉलम्स है ना वो भर जाते हैं. वो कैसे भरते हैं आई विल डिस्क्राइब दैट. अब जो लेबल इनकोडिंग है ठीक है लेबल इनकोडर ये बेसिकली बाइनरी कॉलम्स के लिए ज़्यादा बेस्ट फिट है. ठीक है ना लेबल इनकोडिंग में मैंने बाइनरी कॉलम्स के ऊपर इसे अप्लाई किया. ठीक है लेबल इनकोडर को सही. और इसमें मैंने मतलब जितने भी मैंने यहाँ पे बाइनरी कॉलम्स के एक लाता से पहले बना रही है लिस्ट ठीक जिसमें ये सारे जो भी मुझे मतलब दो दो कैटेगरीज वाले थे जैसे जेंडर में सिर्फ दो कैटेगरीज हैं ये बाइनरी है. इसके अलावा प्रिय डिफॉल्ट इसमें दो कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयमेंट ई और एफ दो कैटेगरीज हैं बाकी दूसरे कैटेगरी का है लेकिन इसमें एक से ज्यादा कैटेगरी है तो ये बाइनरी नहीं है. ठीक सॉरी दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो जो बाइनरी वाले थे सिर्फ उनको मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर से ट्रीट करवाया. ठीक उसके बाद इसमें तो चले मैंने उसी डाटा पे ऊपर करवा दिया लेकिन वन हॉट इनकोडिंग का वाकई ये मैंने भी इस तरह से कॉपी करवाया था इसे कि वन हॉट इनकोडिंग में मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो वन हॉट इनकोडिंग में जो आगे मतलब मैंने इस पे अप्लाई किया ना मल्टीपल कैटेगरी कैटेगोरिकल डाटा पे तो अब आप देखेंगे ना अगर इसके कॉलम्स तो यहाँ पे उसने जितनी वैल्यूज थी ना उसमें से मैंने यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट करवाया ट्रू तो क्या करता है एन माइनस वन वैल्यूज का फीचर्स बना देता है. ठीक है वो एन एक एक यानी एक को एज अ रेफरेंस रख के बाकियों को उससे आगे आगे वो मतलब कहने के काइंड ऑफ के वो एक प्लेन में उसको देख रहा होता है करके अपने मैथमेटिकली तो एन माइनस वन ड्रॉ फर्स्ट इज अगर ट्रू से मतलब ये है कि यानी अगर तीन कैटेगरीज है ना मैरिटल स्टेटस में तो यहाँ पे दो शो करवाएगा यानी एक को एज अ रेफरेंस रख के बाकियों को कर रहा होगा ड्रॉ फर्स्ट. ठीक तो ये अब अगर मैं अब इसमें देखूंगी ना यूनिक वैल्यू से अब आपको आइडिया होगा कि देखें जैसे मैरिटल स्टेटस अब यहाँ पे फीचर्स भर गए हैं
मतलब अब पहले खाली एक मैरिटल स्टेटस का था ना कॉलम, लेकिन अब उसने और उस एक मैरिटल स्टेटस के कॉलम में हमारे पास तब पहले क्या यूनिक वैल्यूज थी, जब मैंने वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई नहीं की थी, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है, यू वाई और एल मैरिटल स्टेटस में। तो मैंने बताया कि ड्रॉप फर्स्ट जब हम करते हैं तो एन माइनस वन कर देता है, यानी वो इसमें से तीन में से एक को, पहली वाली को ड्रॉप फर्स्ट, यानी ड्रॉप फर्स्ट का मतलब पहली वाली को वो ड्रॉप करे और उसको एज यानी एज अ रेफरेंस रखे, बाकियों को उसके मुताबिक आगे आगे वो इनकोड करेगा, ठीक है। तो इसलिए एन माइनस वन का मतलब ये कि अभी बाकी के दो फीचर्स को रख लेगा, ठीक है, जो भी उसके लेक्सिकोग्राफिकली पहले वाला आ रहा होगा ना उसको रहने देगा और बाकियों को दो को उससे आगे रेफरेंस के तौर पे। तो इससे बेसिकली जो इनकी रीजन है वो ये है कि इससे डायमेंशनल रिडक्शन हो सकती है, ठीक है, उस जब इस तरह से करता है, और एक एक कोलिनियरिटी जो है वो भी इनकी उसको भी ट्रीट करने के लिए इस तरह से ये वन हॉट इनकोडिंग काम कर रही है, एंड ड्रॉ फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू के केस में, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं करती तो ये, अब जैसे मैंने बताया कि ऊपर मैटर स्टेटस में तीन थी कैटेगरीज, राइट, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पे देखें ना तो इसने कितने कॉलम्स बनाए हैं, उसने सिर्फ दो बनाए हैं, जो उनसे अभी पहले आ रहा होगा ना उसका अरेंज करता है अपना लेक्सिकोग्राफिकली, और जो उनसे वाला पहले वाला उसका कैटेगरी आ रही होती है ना मेरिटल स्टेटस की, उसको एन माइनस वन ड्रॉप करेगा, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, और बाकी के जो है जैसे यहाँ पे अब आई है यू और वाई, ठीक है, तो बाकी के जो है उसको उसने अलग अलग कॉलम बना दिए, ठीक है, जितनी वैल्यूज होंगी ना उसकी कैटेगरी की उस उतने वो कॉलम बनाएगा माइनस वन, ठीक, और उसमें फिर वो बूलियन में दे देगा कि अगर उसके फर्ज करें पहले उस ओरिजिनल डाटा में अगर वहां पे वैल्यू थी यू, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पे ट्रू लिख देगा, और बाकी सब में मैरिटल स्टेटस की जो बाकी वाली वैल्यूज के लिए कॉलम उसने रेदर बनाया वहां पे फास फास आ जाएगा, क्योंकि उस रो के लिए स्पेसिफिक इसमें एक एक वैल्यू थी यू, ठीक है, तो उसने बता दिया। अगर फर्ज करें दूसरी रो में एक वैल्यू थी वाई, तो ठीक है वो यू नहीं है, तो यू को फॉल्स कह देगा उस केस में उस रो के लिए अब, और वाई वाई में उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। इज इट क्लियर? इसमें फिर मैं सो वी का नाम जाएगा हाँ वो वही ये को चीज है, ओके, सो यहाँ पे मैंने किया ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, सो दैट्स द थिंग, अगर मैं इसको ड्रॉप कर मतलब इसको इस आर्गुमेंट को ना लूँ ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो वो फिर तीनों को ही जितने भी मतलब जितने भी कैटेगरीज होंगी उन सब के वो बना देगा फीचर्स। सो इट्स जस्ट के वो ऑप्टिमाइज करने के लिए थोड़ा सा मैंने ये किया था कि ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, बट अगर आप इसके बगैर भी करेंगे तो हो जाएगा, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू खत्म कर दें वो आर्गुमेंट ना दें। इससे भी फिर वो वाली अप्रोच अच्छी नहीं है मिस लेवल इंपोर्टिंग वाली, इससे तो फीचर्स बढ़ रहे हैं दूसरा जॉब हाँ शॉप की वगैरह। ठीक है, यस, लेकिन वो ज्यादा बाइनरी के लिए सूटेबल है, मतलब मल्टीपल जो फीचर्स हैं उसके लिए वन हॉट इनकोडिंग ज्यादा सूटेबल है, जो मल्टीपल कैटेगोरिकल फीचर्स हैं, सो दैट्स व्हाई आई स्प्रेड इट। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने लेबल इनकोडिंग की है ना सिंपली सिर्फ, तो आप ये करें कि जब यही वाले सिंपल आप इसी डाटा पे आके लेटर ऑन जो आपने लेबल इनकोडिंग किया आप ये मल्टीपल ना करें, और फिर उसके ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करके देखेंगे कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंट तरह से हमने अगर डाटा को हैंडल किया है तो फिर क्या डिफरेंस आता है, तो इससे भी हमें इनसाइट एक मिल सकती है, ठीक। तो ये मैंने फिलहाल के लिए क्योंकि देखा कि वन हॉट इनकोडिंग यूज होती है मल्टीपल कैटेगरिकल फीचर्स के लिए बेस्ट सुटेबल है, तो इसलिए फिर मैंने मल्टीपल को अलग से ट्रीट कराया। हाँ और बताइए करने के लिए कि क्योंकि डाटा विजुलाइजेशन तक के लिए आई नो कि अगर मैंने इसकी इनकोडिंग नहीं भी की होगी मैं काउंट प्लॉट कर लूँ खाली, तो इट विल आल्सो वर्क फॉर मी। तो फिर मैंने एक ये सोचा कि मैं इसके लिए जब मैं जहाँ तक तो मैं लेबल इनकोडिंग कर रही हूँ तब तक तो ओरिजिनल डाटा में ही हो, लेकिन जब मैं लेकर आ रही हूँ ना मल्टीपल जो मल्टी कैटेगोरिकल फीचर्स को मैं अगर इनकोडिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मैं एक अलग से वेरिएबल में इसकी कॉपी करवा लूँ, ठीक है। तो यानी अगर मैं मशीन लर्निंग में यूज करूंगी तो फिर मशीन लर्निंग के लिए ये वाला डाटा फ्रेम होगा जिसमें ऊपर वाले सारे स्टेप्स भी हुए हुए हैं, और एक एडिशनल स्टेप ये है कि इसमें मल्टीपल कैटेगोरिकल की जो है ना वो फीचर्स की इनकोडिंग हुई हुई है, सिर्फ ये एक एडिशनल स्टेप होगा इसके अंदर जो मैंने एंड पे आखिर में किया। तो उससे पहले वाला जो विजुअलाइजेशन के लिए फिर मैं यही वाला डाटा यूज कर लूंगी, बिकॉज वन हॉट इनकोडिंग हुई होगी तो
इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यू फीचर्स हमने देखा ना कि आ गए 1.14 कोडिंग की वजह से, तो ये डाटा विजुलाइजेशन में ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगे 1.14 कोडिंग, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको जरा थोड़ा सेपरेट कर दिया कि ये सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए क्योंकि हमने किया ना, तो और क्योंकि इससे पहले सारा बाकी डाटा के ऊपर वैसे ही काम हुआ हुआ है इनकोडेड डीएफ के ऊपर, तो आखिर में मैंने इसमें एक एडिशनल स्टेप करके इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल शुरू में कर लेती तो हो सकता है वो जो ओरिजिनल डाटा पे मैंने मिसिंग वैल्यूज की ट्रीटमेंट कराई है वो सारा कुछ वो तो फिर मतलब साइड पर रह जाता ना, तो वो सारी ट्रीटमेंट भी इसके अंदर होनी चाहिए। बस मैं एक एडिशनल स्टेप ये मैंने किया कि मल्टीपल कैटेगोरिकल फीचर्स की इनकोडिंग की है, ठीक है। तो अब ये न्यूरॉन मैं जस्ट मशीन लर्निंग के लिए इसको यूज करूंगी, बाकी अभी के लिए जो लेबल इनकोडिंग सॉरी बाइनरी इनकोडिंग तक का काम है जैसे ये इसमें, तो इट कैन बी यूज इन डाटा विजुअलाइजेशन बिकॉज उसमें एटलीस्ट कोई नया फीचर तो नहीं ना बना। अगर मैं इनकोडिंग के बगैर भी डाटा विजुअलाइजेशन करती तो स्टिल इट कुड हैव वर्क। और एक और चीज मैं पढ़ी थी कि इवन के अगर हम बाइनरी अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगोरिकल फीचर्स ना हो, फर्ज करें सिर्फ बाइनरी फीचर्स हैं, ठीक है, बाइनरी इनकोडिंग अगर हम ना भी करें ना, तो फिर भी मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स जो एल्गोरिदम्स है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब अगर सिर्फ दो कैटेगरीज हो ना तो उनको वो फिर भी इनकोडिंग के बगैर भी लाइक खुद से वो उसको कैटर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा कैटेगरीज हो जाए तो फिर तो इनकोडिंग मस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने ऑफकोर्स एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम बाइनरी को भी हमने इनकोड कर लिया, राइट। ओके, सो अब मैं जब भी डाटा विजुअलाइजेशन में यूज करूंगी तो मैं एक वही ओरिजिनल डाटा यूज करूंगी जहाँ जिसमें हमने बाइनरी इनकोडिंग तक काम किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइट्स चूंकि निकालनी है मुझे, तो मैं डाटा विजुअलाइजेशन पे आऊंगी और इसमें ना मैंने कुछ क्योंकि हमें पता है कि कुछ ग्राफ्स हैं जैसे अब कोरिलेशन ही है, तो मैं इस पे उसे सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स पे ही अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। यस सर आदिल, इसमें जब आप इंकोडेड डीएफ को उसमें लेंगे मशीन लर्निंग के लिए, तो उसमें हम स्पेसिफाई जो आप बना रहे हैं फीचर्स, हाँ उसमें जी, हम क्या क्या लेंगे? वो नहीं वो ज्यादा सारे हम फीचर्स नहीं होंगे? हाँ, हम सारे ही इन सबको ही ऐड कर देंगे ना, ठीक है। मतलब कि मैं वो तो लेटरन बात है कि मैं अगर मुझे लगे कि बिल्कुल ही जो फाड़ी गए जैसे अभी मैं कोरिलेशन देखूंगी ना तो आई विल नो कि सिटीजन्स का कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो मैं अगर मुझे एक्यूरेसी ठीक नहीं आती तो मैं इस तरह के जो मतलब फीचर सिलेक्शन वगैरह करके और फीचर की जो वही जो स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन के दौरान इसको मजीद चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए अगर जनरल देखा जाए तो ये सारे एज अ फीचर आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं इसमें एक्स के अंदर जो है वो अपना अप्रूवल वाला सिर्फ वो ड्रॉप करूं जो मेरा टारगेट वाला है ये, ठीक है, सिर्फ इसको ड्रॉप करूं और बाकी सबको एज अ फीचर ले लूं, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। इनकोडिंग करने का मकसद यही है कि उसको समझ आ जाएगी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को कि ये वाली इस तरह से 1.14 इनकोडिंग किया ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि इस तरह से फीचर्स रहता रहता है और जिसकी वैल्यू है वो ट्रू है और जिसकी नहीं वो फॉल्स है। ठीक, ओके। सो इसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन में हम लोगों ने मैंने इसमें सब इस आसानी के लिए असल में मैं साथ साथ ही कर रही थी, लेकिन फिर मैंने लेटर ऑन इसको न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल को बिल्कुल टॉप पे किया। ये सर हरीश, मैं भी जो ऊपर हमें इनकोडिंग के एजुकेशन के और ये इंटेंसिटी है क्या है, तो इनका हमने ये 1 hot इनकोडिंग क्योंकि इससे हमारे डेटा भी ज्यादा है कॉलम्स, तो लेबल इनकोडिंग क्यों नहीं किया है यहाँ पर हमने? ओके सो इसमें मैंने हमने डिस्कस किया है कि जो लेबल इनकोडर है वो ज्यादा बेस्ट अच्छा काम कर रहा है किस पे, जब कैटेगरीज दो हैं सिर्फ, मतलब इसमें जेंडर में भी या ए है या बी है। अगर आप इसकी यूनिक वैल्यूज देखें तो यहाँ पे जेंडर में सिर्फ दो हैं, ठीक है ना, या ए है या बी है, यानी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसी तरह से प्री डिफॉल्ट एम्प्लॉयर में भी सिर्फ दो दो कैटेगरीज हैं, तो जहाँ पे बाइनरी बाइनरी कैटेगरी बाइनरी कॉलम्स हैं यानी दो दो कैटेगरीज वाले हैं तो उन पे लेबल इनकोडिंग अच्छी काम करती है, लेकिन जब ज्यादा मल्टीपल हो जाए तो उसके लिए 1 hot इनकोडिंग इज द बेस्ट। यानी अब देखें इसमें एक दो से ज्यादा है, ठीक है, इन सब में, तो इन इन इनमें जो है हम लेबल इनकोडर के बजाय 1 hot इनकोडिंग यूज करेंगे, इसलिए मैंने उनको सेपरेट किया। डस दैट आंसर योर क्वेश्चन? मैम इससे तो हमारे पास मतलब कॉलम्स इंक्रीज हो जाते, हाँ जी,
रिकॉर्डिंग जो मैंने लेबल रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ा, तो उसमें कहा गया है कि आप लेबल रिकॉर्डिंग वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर मतलब एक ऑर्डर हो, जैसे सर ये एक एजुकेशन है कि हमारे पास मैट्रिक है, FSC है, इस तरह के लेवल के मतलब डेटा हो हमारे पास, तो वहाँ पर भी हम लेबल रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ओनली बाइनरी के लिए नहीं। जो मुझे पता, ओके ठीक है, यस डेफिनेटली वी कैन यूज दैट एज वेल। ठीक है, आप उसको भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ओके ठीक है, इसको मैं भी मजीद देखती हूँ कि मल्टीपल के लिए इन माय ओपिनियन के वो वन हॉट रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली लेबर इनकॉर्डर से जैसे सरादे ने कहा है तो काम तो उस पर हो जाएगा। बट और इसके अलावा ये जो आपका जो कंसर्न है कि फीचर्स भरना, इट्स नॉट अ मेस इन दिस केस, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ड्रॉ फर्स्ट इक्वल टू ट्रू भी करवाया, सो अगर ज्यादा भी बहुत ज्यादा होते तो तब आई थिंक कि इसमें कुछ ज्यादा इशू हो सकता था। तो अगर हम इसकी अगर ज्यादा डिटेल में जाएं तो मे बी वी कैन एक्चुअली गिव इट अ रीड के वन हॉट इनकोडिंग और लेबर इनकोडिंग में डिफरेंस क्या है। मैम ये जो ड्रॉप फर्स्ट है, ये फर्स्ट फीचर को ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ जी, जो इसको लेक्सिकोग्राफिकली लाइक वो जो इसके लाइक अपनी इसकी जो वहां पे डाटा के अंदर जो सा उसको फर्स्ट नजर आएगा उसमें उस ऑर्डर में। मैम एक एग्जांपल के थ्रू, स्मॉल एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं। ओके सो यस, इट इज अ बिट अबाउट थियरी। ठीक है, इसको देखते हैं वन सेकेंड। इसके अलावा जो अगर मैं ये देख रही थी कि अगर मैं आपको वन हॉट रिकॉर्डिंग और लेबर रिकॉर्डिंग में डिफरेंस अगर इलाबोरेट कर सकूं। ओके सिर्फ ये एक ड्रॉप का रहने करके फर्स्ट ड्रॉप, ये थोड़ा मतलब बैंड भी नहीं आ किस तरह। ओके सो देखें, ड्रॉ फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे शायद कुछ ऐड भी किया, नहीं है सेकेंड, लेट मी जस्ट एड इट। बेसिकली होगा क्या कि ड्रॉ फर्स्ट मैंने किया ना, तो जोन सा उसको फर्स्ट नजर आया, ठीक है, यहाँ पे अगर इन केस उसे यहाँ पे एल नजर आया होगा, ठीक है, तो उसने वाई और तीन कैटेगरीज थी, तो उसने जो एक जो कैटेगरी थी उसको मिस करवाया और एन माइनस वन में बाकी के दो को उसने ले लिया। ठीक है, सिंपल इज दिस। ठीक है, वो उसने किया कैसे है, इट इज लाइक इसकी डेप्थ में फिलहाल के लिए मतलब मैंने वो लिखा हुआ है बट आई डोंट नो अब वो कहाँ पे है, सो आई कुड हैव शोड दैट टू यू। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आप वो एक मतलब वेरिएबल को ड्रॉप करवा रहा है, अगर मैं इसको नहीं करवाती सो देन इट इज आल्सो फाइन। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉप फर्स्ट को नहीं करवाती तो क्या करेगा कि तीन कैटेगरीज थी यू वाई और एल, तो तीनों के अलग अलग फीचर्स बना देगा। मैम अगर एक को हम ड्रॉप कर ले तो फिर ये तो हमारा डेटा पूरा मतलब एक बाइट बन जाएगा, हमने मतलब नहीं एक नहीं फीचर को उसका पूरी कर ली, तो ये इस तरह ओके नहीं होगा। नहीं, वो असल में उसका एल्गोरिथम इस तरह वर्क कर रहा है कि वो इसको उसके हिसाब से लेके चल रहा होगा। ठीक है, मतलब उसको एज कह रहे हैं कि काइंड ऑफ रेफरेंस बना लेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको लेके चलेगा। तो मतलब उसने अपने एंड पे उसके एल्गोरिदम में इस तरह से काम किया कि एक तरह से कहने इंक्लूड जरूर किया है, उस हिसाब से बाकियों को एडजस्ट किया है उसने बाकी फीचर्स को। तो इसमें ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम ना क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि वो डमी वेरिएबल क्रिएशन अभी यहाँ पे हम देखेंगे करेगा, तो इससे अगर डमी वेरिएबल्स के दरमियान में कोई एक्स्ट्रा मतलब कोरिलेशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है इससे। तो वी कैन एक्चुअली रीड इट फ्रॉम हेयर जो इसकी है।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको शो करवा देती हूँ गूगल पे। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ फर्स्ट के बारे में उसने बताया है कि ठीक है, डू यूज ड्रॉ वन ऑफ द कैटेगरी पर फीचर, दिस इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर परफेक्टली कोलियन फीचर्स कॉज प्रॉब्लम सच एज व्हेन फीडिंग द रिजल्ट्स डाटा इनटू अनरेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, सो इसने ये प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए हैं यहाँ पे। समटाइम्स इट कैन ऐड बायसनेस इन द मॉडल, लेकिन बाज का ये रही कि कोलिनियर फीचर्स जो बहुत ज्यादा आइडियलाइज और परफेक्ट होने लग पड़ते हैं, ठीक है, उससे उससे ये उस सिचुएशन को थोड़ा ब्रेक करता है, ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट। तो ये चीज इसने बताई हुई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर एक मैंने सपोज मजीद, इस तरह ही होगा कि एक कॉलम में हमारे पास लो है, हाई है और मीडियम है, तो मतलब ये एक को हटाएगा, मतलब लो को मतलब हटाएगा और बाकी दो को रखेगा, इस तरह ही होगा। यस, एन माइनस वन होगा बेसिकली ना, वही। सो ओके, लेट मी जस्ट रीशेयर माय वीएस कोड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे एक और मजीद चीज ये मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि इस तरह से देखें, 1 सेकेंड, ये मैंने एक जीपीटी से ही यहाँ पे करवाया, ठीक है। इसमें उसने क्या रीजन दिया कि ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू रिमूव्स वन ऑफ द डमी वेरिएबल्स टू इंश्योर दैट द रिमेनिंग डमी वेरिएबल्स प्रोवाइड यूनिक इनफॉरमेशन एंड आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। सो एनी हाउ, इस एल्गोरिथम का ये अपना ही एक वर्क है जिस तरह से ये कर रहा है, और उसने जिस तरह से वही जैसे मैं बताया थी कि अगर मैं ड्रॉ फर्स्ट नहीं करवाती तो इस तरह से इसके तीन ये फीचर्स बनेंगे, लेकिन ड्रॉ फर्स्ट करवाया तो उसको जो जो सी कैटेगरी फर्स्ट आ रही थी, ठीक है, उसके पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो उसने वहाँ पे उसको ड्रॉप किया और मुझे वायरल शो करवाया यू को उसने, इन केस यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ड्रॉप किया तो ये। और अफेक्ट क्या हो रहा है डाटा पे के, वो क्या इससे क्या इंश्योर होता है कि दिस इंश्योर्स दैट ई फॉर ईच कैटेगोरिकल वेरिएबल विद एन यूनिक कैटेगरीज वी एंड अप विद एन माइनस वन। और इससे इस अप्रोच से फायदा ये कि डायमेंशनल एलिटी रिड्यूस हो रही है कि एन की बजाय वो एन माइनस वन पर कैटेगरिकल, और इलिमिनेट कर रहा है कि लीनियर डिपेंडेंसी जो आपस में डमी वेरिएबल्स की कोई कोलिनियरिटी या कोरिलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, तो उसको खत्म कर सके। मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट की तरफ सिचुएशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है, कि वो एन इनकोडिंग करके वो आपस में अगर उसके आपस में कोरिलेशन इंक्रीज हो रहा हो तो उस चीज को वो बेसिकली ब्रेक करता। वी कैन एक्चुअली ड्रॉप इट एज वेल, क्योंकि मुझे नहीं लग मुझे लगता है कि इसमें इतने ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वो डायमेंशन इसकी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि फीचर्स की जो वैल्यूज हैं कैटेगरीज की वो कम ही है, ठीक है, लेकिन दैट वाज द आइडियल केस, सो आई हैव यूज्ड इट के ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मॉडल की जो इनपुट स्पेस है उसको रिड्यूस कर देगा, रिडंडेंट जो कैटेगरी है उसको रिमूव करके। और इसके अलावा बस इसमें ज्यादा यही चीज है, ठीक है। सो और ड्रॉ फर्स्ट में अगर उसने एक वैल्यू को रिमूव किया है, सो बट इट्स एल्गोरिथम इज लाइक कि उसने क्योंकि उसको एज अ कहीं ना कहीं वो रेफरेंस बना के दूसरे के हिसाब से उसने किया, तो इसने ये नहीं है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस हुई है, ठीक है, उसने उसको जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि मल्टी कोलिनियरिटी या डायमेंशनलिटी रिडक्शन की है, तो उसमें उसने उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया होगा बाकी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को उस हिसाब से प्लेस करते हुए। ओके, सो फॉर नाउ मे बी वी कैन एक्चुअली ऑल्सो सी कि ये अगर मैं इसको रिमूव ही कर दूँ फिर क्या होता है। सो अभी के लिए ना अगर मैंने किया हुआ है ड्रॉ फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं आगे अगर अभी जाती हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्यूरेसी जो आई हुई थी ना मेरे पास वो थी 87 समथिंग, ठीक है, कुछ 87% ओवरऑल एक्यूरेसी रिकॉल्स को अगर मैं देखूँ तो 87 है, ठीक है। और अगर मैं इसके बगैर करती हूँ, सो लेट मी जस्ट रन अगेन।
कोई खास फर्क आता है इस पे? स्कोड आपका सेव कौन नहीं नहीं वो ओके, वो इस पे जुपिटर नोटबुक पे इशू नहीं है। एनी हाउ सो ये मैंने ड्रॉ फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू किया। सा है? 40 फीचर्स बना यस हाँ वो अब उसके फीचर्स बढ़ेंगे। तो आपने कहाँ पे देखा? अभी आपने ऊपर चेक। हाँ जी हाँ जी, ये देखें अब इसमें, अब ये देखें उससे मेटा स्टेटस वगैरह के भी लगता है सब फीचर्स आ गए। सो इससे जस्ट क्या हुआ कि एक डायमेंशन बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये एल योर वाई, ठीक है। अब मजीद उसके मजीद कॉलम्स ऐड हुए हैं जस्ट। सो अब अभी इसके बाद जो एक्यूरेसी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो उस पर कोई डिफरेंस कोई आया या नहीं? सो लेट्स जस्ट सी, यहाँ थोड़ी सी रिकॉर्ड को इसका 85 पे हुआ है, 78% ही बाकी अब प्रिसीजन वगैरह चली गई है और 85 पे हो गया जो पहले 87 पे था। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। ठीक, तो मैं इसको अब यहाँ पे वापस जरा ड्रॉ फर्स्ट इज इक्वल ट्रू से ही करती हूँ। बाकी अगर आप मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं अपने पे, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन टुमारो एज वेल कि ड्रॉ फर्स्ट काम कैसे कर रहा है एग्जैक्टली। अगर आप इसके एल्गोरिदम की फंक्शनैलिटी इसमें मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू गिव इट अ रीड एंड देन बेशक आप इसे मतलब जिससे जिसमें जोर से समझ के आते हैं, देन यू कैन शेयर विद अस योर इनसाइट्स एज वेल। सो इट विल बी हेल्पफुल। लाइक अभी के लिए इतना ही काफी था जो कि हमें यूज करने के लिए जरूरी है कि ये क्या काम करता है और कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, कि हमें क्या बेनिफिट है इसको यूज करने का। दैट्स इट। ओके सो अब नहीं वही यूनिक वैल्यूज मैंने दोबारा एक बार बार क्योंकि चेक कर थी वाला मैं अवेज डूइंग इट, तो मैंने अगेन एक दफा देख लिया था कि किस तरह से उसने कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, और हर एक की क्या उसने यूनिक वैल्यू रिस्पेक्टिवली ऐड की हुई है। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डाटा विजुअलाइजेशन पार्ट, क्योंकि आज हमने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर रहा है इंशाल्लाह। तो इसमें न्यूमेरिकल जो कॉलम है और कैटेगोरिकल कॉलम है फॉर माई ओन कन्वीनियंस, मैंने इनको सेपरेट आउट कर लिया था बार बार यहाँ पे देख के भी कौन कौन से थे, ठीक है। तो अब मुझे बहुत से जैसे से जो कोरिलेशन है वो मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स का ही निकाल सकती हूँ ना वैल्यूज का, कि आपस में क्या एसोसिएशन है इनका, क्या स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है या वीकली कोरिलेटेड है। तो इसलिए फिर अब मैं अलग कनेक्ट जो है वही न्यूमेरिकल कॉलम्स का अगेन शुरू जो मैंने बनाया था वही लिस्ट यहाँ पे पास करवाऊंगी और इसका कोरिलेशन निकलवा लिया। एनोटेशन ट्रू यानी जो वैल्यू है वो इसकी शो हो जाए, ठीक है। और जब मैंने ये मैट्रिक्स इसका ड्रॉ किया है, ठीक है, मैंने कोरिलेशन का मैट्रिक्स मैं एज डिस्प्लिन भी करवा सकती थी, दैट विल ओनली शो मी द वैल्यूज, बट आई हैव ड्रॉन द हीट मैप हियर कोरिलेशन का, और यहाँ पे अब उसकी वैल्यूज ये इस तरह से शो हो रही है हमें। ओके सो इसमें क्या इनसाइट्स रिस्पेक्टिवली निकल रही हैं? ओके सो जो माइनस है सॉरी रेड वाला है ऑफ कोर्स ये शो कर रहा है जितना वन है, ठीक है, वन के करीब है। सो ऑफ कोर्स ज्यादा एसोसिएशन है आपस में, स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है। इसमें हम जब वीपीएन बना रहे होते हैं तो टारगेट वेरिएबल को रखते नहीं हम उस साथ में, ताकि उसके साथ हम एक बना सकते हैं, नए इंसाइट्स निकाल सकते हैं। ओके यस हाँ वो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं इसको। हाँ या और सारे ग्राफ्स को कॉलम्स को भी मैं इसमें ऐड करवा के देख सकती हूँ, लेकिन अब बेस्ट अप्रोच अब डाटा विजुअलाइजेशन करते हुए कि हम इसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स को ले रहे होते हैं, बट फॉर द कैटेगोरिकल कॉलम्स हम दूसरे सिचुएशन देखने के लिए हम दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम काइस्क्यूर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टीजेंसी टेबल है जिसमें हम कैटेगोरिकल कॉलम्स के, जैसे हमने कोरिलेशन हीट मैप बनाया न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए, वैसे हम कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर भी ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट मेथड होगा। जैसे हम आगे देखेंगे बार प्लॉट्स वगैरह, मैंने या काउंट प्लॉट्स ड्रा करके ह्यू ऐड करके देखा है उसमें तो कि क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे आपने किया था, इट कैन आल्सो शो कि जो कोरिलेशन उससे भी ज्यादा है कि अगर हम इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें तो हमें ज्यादा अच्छा सिचुएशन बताएगा टारगेट वेरिएबल और फीचर्स के दरमियान में, ठीक है। सो ज्यादा हम जो रिलाई करते हैं एसोसिएशन देखने के लिए वो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, बट वी कैन फर्दर ऑफ कोर्स इसको मजीद कर सकते हैं कि क्या हम कोरिलेशन को यूज करें इस केस में।
इफ कोरिलेशन इफ टारगेट वेरिएबल इस कैटेगरी का, बाकियों की क्या इंसाइट है इस बारे में? क्या अंडरस्टैंडिंग है बाकी सब जो यहाँ पर मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स उनकी? जी, आई वांट कंट्रीब्यूशन फॉर एवरीवन इन द क्लास. यस सर हाशिर. मिस कैन यू रिपीट प्लीज। ओके, सो मैं ये पूछ रही थी ना कि जैसे अभी हमारे केस में टारगेट वेरिएबल कैटेगोरी कर है, सो शुड वी एक्चुअली रिलाई ऑन दिस के हम जो है यहाँ पे जो मतलब के कोरिलेशन ड्रॉ करके इसका एसोसिएशन देखें ये कौन सा वेरिएबल, या हम किसी और मेथड पे जाएं? मिस हम दोनों ट्राई कर सकते हैं, जिससे एक रुख से ज्यादा है वो यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, यस सर जुबैर. मैम, कोरिलेशन के अलावा और को क्या ऑप्शन है? लाइक पिवट टेबल ये से रिलेट करेगा? पिवट टेबल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ज्यादा कोरिलेशन के लिए जैसे कैटेगोरिकल एसोसिएशन देखना है, अगर जी तो कैटेगोरिकल तो कैटेगोरिकल देखना है, मतलब दो सारी कैटेगरीज के दरमियान में. तो जैसे मैंने बताया था कास्क्यूअर टेस्ट है और कंटीजेंसी टेबल है, ठीक है. मुझे मैम उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस यस, वो भी हमने पढ़े भी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए मैंने उसको ऐड भी नहीं किया था नोटबुक में. अगर हमारे पास ये जो है मे बी मोस्ट प्रोबेबली इसको में रिग्रेशन कोफिशिएंट ही हम यूज करें. ठीक है, कि हर प्रिडिक्टर जो फीचर है वो कितना इस कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल के अंदर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकाल के यूज कर सकते हैं. कोरिलेशन को हम मे बी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ रख लेना, जैसे हम डाटा विजुअलाइजेशन में यहाँ पे करवा रहे हैं. सो मशीन लर्निंग के लिए अगर हम जाएंगे पर्टिकुलर उस पोर्शन में और हमने देखना हो कि कौन से टॉप फीचर्स हैं, ऑफकोर्स जैसे हमने पिछली ऐप में ही काम किया था कि हमने कोरिलेशन निकाल के टॉप फीचर्स निकाले थे, लेकिन ज़्यादा सूटेबल इज लाइक कि हम इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे जाएं, आई बिलीव. बट वी कैन यूज बोथ जस्ट फॉर आर इनसाइट. लेकिन कोरिलेशन के जो हीट मैप है मेन मेन वो यही है कि न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए होता है ज्यादा, तो हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स इस केस हिसाब से ही आएंगे जो बेस्ट केस यूज केस है हमारे लिए. तो ये यूज केसेस भी हम मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं. जी मैम, रिग्रेशन कोफिशिएंट ठीक रहेगा, आई थिंक सो। ओके, सो सर्च किया आप लोगों ने अपने एंड पे गूगल पे? नो मैम, बट मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में याद नहीं है एग्जैक्ट। ओके, सो यस इट डिपेंड्स कि अगर टारगेट वेरिएबल हमारे पास ऑर्डिनल है, कैटेगोरिकल मतलब कैटेगोरी में ऑर्डिनल है, या फिर वो दूसरी जो है टाइप आ रही है, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल में किस तरह की टाइप है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसमें वी कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस. इवन कि हम इसमें डिसीजन ट्रीज या रैंडम फॉरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर इन सम केसेस आई हैव सीन के वो रिलेशनशिप, क्योंकि हमने देखना है ना एसोसिएशन देखना है, क्लस्टरिंग भी करवा के हम देख सकते हैं. बास का इसमें के मीन्स क्लस्टरिंग भी यूज हुई होती है कि हम देखने के कौन से ज्यादा आपस में जो है वो क्लोज रिलेटेड है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूज केस के कि हम किस किस पर्टिकुलर वो मतलब कि, और अगर हम गलत चीज को अप्लाई करेंगे आंसर तो वो दे देगा,
लेकिन ओपिनिटी ऑफ कोर्स से इन्फ्लुएंस होगा हमारे अपने प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी पे, कि हम लोगों ने एक गलत चीज को अप्लाई की है यूज केस के जो जिस पे नहीं बनता था। जैसे अगर मॉडल्स की जो मेजोरिटी मॉडल्स हैं उनकी ये अजम्पशन है कि नॉर्मल डाटा हो, ठीक है, और हम नॉर्मल डाटा नहीं देते और वैसे ही फीड करवा लेते हैं नॉर्मलाइजेशन किए बगैर, तो उससे भी हम चांसेस हैं कि वी आर एक्चुअली अप्लाई, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग अ रॉन्ग यूज, मतलब रॉन्गली, मतलब कि हमने उसको भी ट्रीट वैसे नहीं करवाया था। सो दीज आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक, एनी हाउ मजीद इसको आगे ब्रांड पे भी देख के आएंगे कि क्या बेस्ट यूज केस मजीद हो सकते हैं कोरिलेशन के अलावा भी, और यहाँ पे कोरिलेशन यूज होना चाहिए नहीं, ठीक है। सो दिस द सेकेंड होमवर्क, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू के अलावा। ओके, और इसमें अब न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर हमने कैसे काम किया है। मैंने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि न्यूमेरिकल कॉलम्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। सो आई एम सीइंग के इस तरह से एक सिंगल पीक ज्यादा, ठीक है, सब में, ठीक है, इसमें थोड़ी सी सेकेंड पीक भी आ रही है डेप्थ वाले साइड पे, और इसमें से मुझे ये इंसाइट्स मिल सकती हैं कि जैसे डेप्थ का अगर देखा जाए तो रिलेटिवली जो ज्यादातर लोग हैं उनका डेप्थ कम ही है, ठीक है, विच इज अ गुड साइन, ठीक है, कि ज्यादातर लोगों का अगर देखा जाए तो डेप्थ लोअर रेंज में ज्यादा लोग हैं। और ये मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने हिस्स प्लॉट ड्रॉ किया हुआ ना, ठीक है, और इसमें ड्रॉ पहने की वैसे जरूरी जरूरी नहीं था बिकॉज हमने ऑलरेडी मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट किया हुआ है। और अल्फा इज इक्वल टू 0.17, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है इनके कलर की। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है अपेरिटी इस तरह से जा रही है ना, ठीक है, कुछ में ये पीक्स बन रही है ज्यादा, कुछ में स्क्यूनेस है, ठीक। सो ये चीजें मैं यहाँ पे सारी ऑब्जर्व करूंगी कि क्या स्क्यूनेस है, सिमेट्री क्या है इनमें, नॉर्मली है डिस्ट्रीब्यूटेड या नहीं है, और इसके अलावा इसमें वो मोडेलिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ पीक्स एक से ज्यादा है या नहीं है। सो पेनल्टी दीज आर मतलब कि बेल शेप्ड कर्व्स हैं बट दे आर स्क्यूड, ठीक है। सो इसमें ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, जस्ट फॉर अ साइड इन्फो, कौन बताएगा। यस सर, आते हैं। मिस या राइट स्क्यूड ओके, बाकी क्या कहते हैं इस वाले से। ओके, सो कौन कौन कहते हैं कि राइट स्क्यूड है, हैंड रेस्ट राइट है। स्क्यूड ओके, दैट्स गुड देन, यस। ओके, सो सिर्फ सर हारिस कहते हैं राइट स्क्यूड है, बाकी सारे लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं सर। ओके, सो ओके, यस, दैट्स गुड, यू कैन लोअर योर हैंड। ओके, सो अब हमने असल में बेसिकली टेल देखनी होती है ना, सो टेल जो है इसकी राइट साइड पे है, सो यस इट इज राइट स्क्यूड, पीक लेफ्ट साइड पे जा रही है, फिर राइट स्क्यूड था, जस्ट ऑन द राइट और नॉट, लाइक मैंने इस चीज को जस्ट एलेबोरेट करना था। ओके, और इसमें एक चीज ये भी हमें फायदेमंद हो सकती है जब हम देख रहे हैं, तो हमें अगर देखें अगर बिल्कुल ही जो जैसे सीजन में बिल्कुल छोटे से ही कुछ डाटा कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है, थोड़ा सा उभार है जो कि एक मेजर चंक से बिल्कुल साइड पर, तो इसमें दे कैन बी द पॉसिबल आउटलायर्स इन दिस केस, ठीक है। तो इससे थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के देखे हमें थोड़े से पॉसिबल आउटलायर्स का भी पता चल सकता है जो कि रेगुलर ट्रेंड से बिल्कुल एक साइड पे एक्सट्रीम की वैल्यू आ रही होगी, राइट। और हमें पता चल रहा है कि ज्यादातर जो लोगों की एज है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से कम वाले लोग हैं, ठीक है, और डेप्थ भी मेजोरिटी जो लोग हैं उनका डेप्थ भी कम है, ठीक है, ज्यादा डेप्थ वाले बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। और जो ज्यादातर हमारे जो डाटा है ना इसमें जो लॉ ने प्रूवर के लिए यहाँ पे आया हुआ है उसमें रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और उसमें ज्यादातर जो डाटा है उसमें यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है के अर्ली करियर के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस 0 से 5 में, उसमें ज्यादा ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें सबसे ज्यादा हाई है, तो जो सीनियर लोग हैं वो कम है यहाँ पे, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्रेडिट स्कोर अगर देखा जाए तो इनके क्रेडिट स्कोर्स ज्यादातर लोगों के क्रेडिट स्कोर्स यानी अभी न्यू है तो क्रेडिट स्कोर्स दे आर रिलेटिवली लोअर, ठीक। और सिटीजन्स, बेसिकली सिटीजन्स जो मुझे लगता है ये वाली कैटेगोरिकल कॉलम है सिटीजन्स का, ठीक, इसमें, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि किस ये किस वाले से है सिटीजन्स का कॉलम ना, तो एनीहाउ मैंने इसको ऐसे न्यूमेरिकल में ऐड कर दिया हो तब क्योंकि वैल्यूज मुझे ज्यादा लग रही थी, तो ये कुछ इस तरह से इस कैटेगरी इस वाले साइड पे ज्यादा है वैल्यू, 0 के अराउंड और लेस देन 20,000 समथिंग,
ठीक है, तो एक तो ये मुझे इसमें से इंसाइट मिल रही है, ओके, और इसमें एक इस चीज के अकॉर्डिंग भी है ये, कि जो यूजुअली पॉलिसी होती है जैसे लोन वगैरह देते हुए भी, कि दे आल्सो वांट के जो लोन है कल को दे सके, सो दे यूजुअली हैव अ सर्टेन सेट ऑफ एज, के इस लिमिट में ही ज्यादा लोग हों, ज्यादा और एजड होंगे, सो ऑफ कोर्स दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न दैट लोन, और अगर बहुत ज्यादा मतलब के यंग मेच्योर इमेच्योर एज होगी तो उस केस में भी जो उसका रेशियो होती है ना प्रूफ करने की वो कम हो जाती है, ठीक, ओके, सो इस तरह से कुछ आई थिंक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी ये जाएगा, लेकिन एनी हाउ वी डोंट नो येट कि क्या होता है इसमें, ओके, सो इसके बाद वही चीज यहाँ पे मैंने इनसाइड के तौर पर लिखी हुई है कि क्या क्रेडिट स्कोर्स और उसके एज की डिस्ट्रीब्यूशन थी, ओके, सो अब इसमें जो हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं इसमें मैंने इन कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए यहाँ पे एक बार प्लॉट ड्रॉ करवाया, उसकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट मैं डायरेक्टली काउंट प्लॉट भी ड्रॉ करवा सकती थी, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वो बार प्लॉट कह के उसकी, तो ये कैटेगोरिकल्स के लिए यूज हुआ हुआ है, इसमें जेंडर की हमें पता चल रही है कि जेंडर की एक कैटेगरी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है दूसरी के नस्बत, मतलब दूसरी जो कैटेगरी है वो हाफ भी नहीं है इसकी, ठीक है, तो एक एक साइड पर रेशियो बहुत ज्यादा है, मैरिटल स्टेटस में भी इफ यू सी के जो एल यहाँ पे जो भी आई एल है जो भी ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल अंडर रिप्रेजेंटेटेड है एज कम्पेयर टू यू, और जो एजुकेशन लेवल के लिए ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है जिसमें सी कैटेगरी इज द डोमिनेंट वन, और प्री डिफॉल्ट रह चुका है या नहीं रह चुका है, इसमें आपस में इन दोनों कैटेगरीज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मतलब कि क्लासेस लेबल्स में इतने ज्यादा वो कहने के इम्बैलेंस नहीं है रेशियो एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, स्पेशली जैसे जेंडर के केस में और मैरिटल स्टेटस के केस में डाटा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, अपने सिटी के केस में इट इज आल्सो डाइवर्स, ठीक है, और बता भी डोमिनेट कर रहा है, अच्छा अगर हम ये देखते हैं अगर क्लास इम्बैलेंस ज्यादा हो तो इस चीज को भी हम लेटर ऑन कैटर करते हैं, हमने देखा था कि हम स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई जब कर रहे होते हैं सो हम यही चीजें कंसिडर करते हैं ना, कि अगर क्लास इम्बैलेंस भी है तो फिर हमें होता है कि एक स्केल के अंदर आ जाए सारी, ठीक है, वैल्यूज, ताकि जो है वो मतलब कि एक चीज ज्यादा डोमिनेट ना करके वो सारा ये ना हो कि मॉडल ज्यादा, अगर वैल्यूज ही डाटा ज्यादा वी का ही है तो मॉडल ने तो ज्यादा इसी को लर्न किया है, तो चांसेस भी हैं कि वो ज्यादा पैटर्न इसका ज्यादा समझ आए एज कम्पेयर टू ओ, ठीक है, तो प्रोडिक्शन में भी ज्यादा यही है, ठीक है, कि जिसको ज्यादा लर्न कर लिया उसका रट्टा क्रैमिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो पैटर्न समझने की बजाय वो ज्यादा क्रैमिंग की तरफ चल जाता है, जितना ज्यादा अगर ज्यादा एक साइड का डाटा हो तो अनबायस डाटा में ये एक इशू आता है, तो उस चीज के लिए हम लेटर ऑन हमने देखा था कि हम किस तरह से फीचर इंजीनियरिंग में स्केल एक कर देते हैं उसका, तो और स्पेशली उन उन मॉडल्स के लिए जो कि इस मैग्नीट्यूड से, सारे मॉडल्स इस चीज पे सेंसिटिव नहीं होते लेकिन कुछ मॉडल्स इस चीज पे सेंसिटिव हैं, ठीक है, कि इसमें वेरिएशन क्या है, और इस तरह से कुछ कॉलम्स जैसे यहाँ पे हमने आपस में देखा था कि कुछ कॉलम्स में स्केल जा रहा है जेंडर, ये हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम डिस्क्राइब में हमने शुरू में जो देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखें आपस में कॉलम्स का भी यहाँ पे होगा, अगर हमने नहीं किया तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे करके, तो डाटा डॉट डिस्क्राइब, सो अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात की जाए यहाँ पे भी तो वो भी चीज़ भी हमने यहाँ पे भी कंसिडर कर ली है, कि यहाँ पे एज 13 से 7 है, किसी में 0 से 7 है, न्यूमेरिकल कॉलम्स की अगर हम खाली बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह से रेंज आ रही है, एनी हाउ इसमें बहुत ज्यादा बाकियों में वेरिएशन इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन आई विल से, तो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा उस तरह से वेरिएशन नहीं है जिस तरह पहले एक हमने देखी थी, ठीक है, जो लास्ट हम लोगों ने हेपेटाइटिस वाले केस में देखी थी, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम्स में भी आपस में बहुत ज्यादा सेकेंड टर्म वेरिएशन में जा मिस रही थी, काफी वेरिएशन। लेकिन ये वाला कॉलम हम आगे देखेंगे कि इसकी ना तो ज्यादा इम्पैक्ट है और ये है भी मतलब इसको मे भी हम ड्रॉप भी करवा दें, इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, ये ओके चीज है, हाँ ये, और अगर हाँ, और एक आधे कॉलम का आई गेस इतना हम उस चीज की बेस पे नहीं करते, हाँ और बता, मैंने वैसे इसमें स्टैंडर्ड वो फीचर स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं करवाई थी, ठीक है, उसके बगैर ही किया था, और क्योंकि उस इतनी ज्यादा वेरिएशन वो नहीं है जिसमें पहले वाले डाटा सेट में थी,
अब यहाँ पे देखें तो ये सीजन्स का अगर बाकियों के साथ भी देखा तो इतना मतलब हमने वर्क खैर यहाँ पे मैंने उसके टारगेट वेरिएबल के साथ करवाया नहीं है क्योंकि, लेकिन आपने भी देखा होगा, आपने आई थिंक शो भी करवाया था कि सीजन का कम था, ठीक उसके कोरिलेशन अगर आपने देखा था तो। एनी हाउ इसको देखते हैं। और अभी काउंट पार्ट जेंडर जी वाइज मैंने देखा, ठीक है ये अब सिंपली अब मैं अप्रूवल स्टेटस के साथ इसके काउंट पार्ट्स देख रही थी, और मैं जेंडर और बाकी चीज़ों पे ह्यू करके थर्ड वेरिएबल यानी फ्रीक्वेंसी तो इसके देखेगा कि मैटर स्टेटस के हिसाब से, और सात जेंडर के लिए कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है तो एक जेंडर जीरो के लिए इसका जो यहाँ पे खैर मैटर स्टेटस के हिसाब से, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं थी इनसाइड अगर हम अप्रूवल की खाली चीज़ देख रहे हैं तो इसमें के मैरिटल स्टेटस अगर देखा जाए तो यू वाले ज़्यादा है मैरिटल स्टेटस के लोग, और उसमें भी ओके सो इस केस में ब्लू कम है और ऑरेंज वाली जो वन वाला है जेंडर वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक, और मैरिटल स्टेटस यू वाला ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इस तरह से अप्रूवल स्टेटस की बात की जाए तो अप्रूवल स्टेटस बी ऑरेंज वाला ज्यादा यानी वन वाला, क्योंकि अब इसमें ओवरऑल इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक साइड हमने देखा था कि बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी, तब ये वन वाला अगर डोमिनेट कर रहा है ना जेंडर वन वाला तो इसलिए ओवरऑल भी बाकी सब में भी जितनी दफा भी हम देखेंगे ना जैसे अप्रूवल स्टेटस में भी तो फिर ऑफकोर्स इसकी वैल्यूज ज्यादा है तो इसलिए इसकी अप्रूवल स्टेटस में भी इसकी ज्यादा पार शो हो रही है वन में, ठीक है एज कम्पेयर टू दिस। ओके सो इसके अलावा ये वैसे इतना कोई खास बेनिफिशियल नहीं है। आउटलायर हम इसमें ये कर सकते हैं कि आउटलायर्स का ना ये बॉक्स प्लॉट सारे इसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स का बना के देखें तो उसमें हमें आइडिया हो सकता है। वैसे तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ भी की है सो उसमें भी हमें आइडिया तो हो रहा था कि अगर कोई वैल्यू बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा रही है कुछ, सो यहाँ पे हम मैंने जस्ट ये देखा है कि हाँ इससे डिस्ट्रीब्यूशन पता चल सकती है जो हमें उधर भी पता चलती है कि 40 से जरा कम वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है 40 से जो जितना ज्यादा लोग वो कम थे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऊपर जब देखा था, तो वही कुछ इनसाइट्स यहाँ से भी मिलती जुलती नजर आ रही है हमें। और यहाँ पे मगर मैंने साथ क्योंकि क्रेडिट स्कोर प्लॉट किया है तो क्रेडिट स्कोर के हिसाब से इसकी एज ग्रुप बता रहे हैं, तो क्रेडिट स्कोर में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से ये इनसाइट है कि जो आउटलायर्स ये वैल्यू ज्यादा यानी जो आ रही है ना ज्यादा क्रेडिट स्कोर, अब इसमें देखें तो ज्यादातर जो 0 से 45 तक की रेंज है ना तो उनका क्रेडिट स्कोर इतने में ही लाई कर रहा है 10 के अराउंड, ठीक है। और ये जो विस्कर से ऊपर वाली वैल्यूज है ये सारे तकरीबन कहने के ये आउटलायर्स हैं, ठीक है विस्कर से ऊपर या नीचे, तो जो ये बॉक्स का अपना ही होता है ये इंटरक्वार्टाइल रेंज है बॉक्स प्लॉट की, वो जो हमें इंटरप्रिटेशन है यू गाइस नो इट कि इसमें ज्यादा मेजर डाटा इसमें लाए कर रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज में, तो ये विस्कस के ऊपर ही सारे आउटलायर्स हैं, तो यानी जो मेजर क्रेडिट स्कोर है वो 10 से नीचे ही है यानी 5 से भी नीचे ही है, ठीक है क्रेडिट स्कोर जो मेजर 40 से कम वाले लोगों के हैं, राइट और हमने देखा है कि जो 40 से ज्यादा वाले लोग हैं इनका क्रेडिट स्कोर अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 के करीब करीब जा रहे हैं, यानी जो एजड लोग हैं उनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वंस हु आर यंगर और हु हैज द एज लेस देन 40, ठीक। तो ये सारी कुछ मैंने मजीद इसकी देखी थी ड्रॉ करके, ये आप देख लीजिएगा डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें मल्टीपल और चीजें हैं, इसका वैसे इतना कोई खास फायदा नहीं हुआ, इट्स जस्ट लाइक अ फैंसी चीज के प्लॉटली का करवाई थी तो इसमें कोई खास ऐसी इंसाइट नहीं है, ठीक है। और इसमें बल्कि इनफैक्ट इसमें तो इसने कलर मैपिंग भी नहीं की, वन सेकेंड मैंने इसको इसको सही होना चाहिए था नहीं हुआ, आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज देन आई कैन डिलीट इट। हाँ मैंने इसमें कलर मैपिंग कराई मगर उसने आई डोंट नो रीरन किया तो इसने रेड और ब्लू खत्म कर दिए ब्लैक कर दिए सारों को, सो इसको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है रीरन पे। ओके सो इसमें अब फीचर इंजीनियरिंग में फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद लेटर ऑन मैंने ना मतलब यहाँ पे ये सारा कुछ क्योंकि डाटा प्री प्रोसेसिंग अगर हम ईडीए के लिए करते हैं ना तो काफी जो स्टेप्स हैं फीचर इंजीनियरिंग के वो भी उसमें हो जाते हैं, यानी जैसे मिसिंग वैल्यूज हमने ऑलरेडी कर ली, डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करना, अगर कोई रॉन्गली फर्ज करें कि अप्रूवल में 0 और 1 अगर कॉलम वैल्यूज आती और उसने इसको इंटीजर या फ्लोट टाइप में किया होता सो इट वुड हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि अगर इंटीजर फ्लोट है तो उसको न्यूमेरिकल कॉलम के तौर पर ले रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि डाटा टाइप बिल्कुल सही है यानी जो उसने ऑब्जेक्ट टाइप में रखा हुआ है,
तो वो कैटेगोरिकल ही उसको कंसिडर कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके किसी भी टाइप कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने कल देखा था कि डेटा टाइप्स बिल्कुल ठीक असाइन हुई हुई है। अगर गलत असाइन हो कि फर्स्ट करें कैटेगोरिकल और उसने उसको न्यूमेरिकल समझा हुआ इंटीजर या फ्लोट में डेटा टाइप दी हो, या फिर अगर कोई न्यूमेरिकल कॉलम है उसके ऑब्जेक्ट टाइप किया हो, तो हम उसको फिर फॉर्मेट चेंज करते हैं, ठीक। और हमने वेरिएबल्स को भी इनकोड कर लिया, तो फिर हम लेटर ऑन अब इस पे मूव कर सकते हैं मॉडलिंग पे। जो स्टैंडर्डाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है, वो फिलहाल मैंने नहीं देखी, क्योंकि हमने देखा कि इतना स्केल में बहुत ज़्यादा कॉलम्स की आपस में वेरिएशंस नहीं लगी। लेकिन यहाँ पे अपेरेंटली अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था स्टैंडर्ड स्केलर, हाँ ठीक है। न्यूमेरिकल फीचर्स को मैंने यहाँ पे देखा, जरूर ये किया था अप्लाई बाद में, ठीक है। एनी हाउ, इसके बगैर भी आई गेस, लेट मी जस्ट डू इट, इसके बगैर अगर हम रन करें तो हाँ, क्या वैल्यू होती है, लेट मी जस्ट ओके। सो इतना फर्क नहीं पड़ा, 87 ही है, 87 के अराउंड है, ओके। सो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एनी हाउ आई हैव जस्ट एडेड इट फॉर ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू एडिट, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, वी नो कि इट्स अ स्टेप इन द मशीन लर्निंग, सो ये जस्ट ट्राई किया हुआ है, ठीक है। और अगेन वही मैंने यहाँ पे मैंने बताया था कि इनकोडिंग इनकोडेड वाला डाटा फ्रेम लूंगी मैं। विजुलाइजेशन में मैं ओरिजिनल वाला डाटा फ्रेम रहती जिसमें सिर्फ लेबल इनकोडिंग बाइनरी तक की हुई थी, तो इसमें मल्टीपल फीचर्स की वो वाला इनकोडेड डाटा फ्रेम लिया, अगेन वही सारे स्टेप्स हैं। जो यहाँ पे मैंने सैम्पलिंग है वो स्ट्रेटिफाइड ली है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं करती तो वो रैंडम सैम्पलिंग ले रहा होता है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है वो आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, हमने उसको डिस्कस किया हुआ पहले। सो अगर नहीं तो हम उसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंपली अभी फिलहाल के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाई थी, और इसमें एक न्यू चीज़ ये थी कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में असल में इसकी एक्यूरेसी अगर अच्छी आई है ना, इसकी एक रीज़न ये भी है कि मैंने इसमें ग्रिड सर्च सीवी अप्लाई की थी। इसमें क्या है कि वो जितने उसके पैरामीटर्स हैं ना कुछ, वो हम इसमें दे देते हैं कि इन पैरामीटर्स में ये इसकी वैल्यूज हैं, इनके अराउंड रहते हुए डिफरेंट मतलब वो पैटर्न्स कॉम्बिनेशन बनाए और देखिए कौन सा बेस्ट फिट है, ठीक है। इनमें से कौन सी बेस्ट वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है तो उसको चूज कर लेगा। इसलिए फिर ओवरऑल एक्यूरेसी हमें पेरेंट पे जो मिलती है वो अच्छी होती है, ठीक है। मतलब मैंने सारी वेरिएशंस बता दी कि ये है, तो उस बेस पे अब ग्रिड सर्च सीवी ने क्या किया कि अब ये जो आर्गुमेंट्स थे इसके, सी, पेनाल्टी और सॉल्वर, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। और ये क्या क्या काम करते हैं रिस्पेक्टिव